नमस्कार, भारत बुलेटिन में आपका स्वागत। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी बेबाकी अंदाज में संसद में राज्यसभा में आर्टिकल 370 से अपनी जो राय रखी, ताकि जो आर्टिकल 35 है और आर्टिकल 370 है उसे हटाने की कोशिश जारी है। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे, आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज इस सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे, लेजिस्लेटर सुन सुनकर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सीधी कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचा। ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। माननीय, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र परकोलित नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, और आतंकवाद की जड़ भी 370। महोदय, आज मैं इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी, लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है? और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग
उनकी जान न जाती सभापति महोदय, अगर धारा 370 न होती। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।